بلکہ قبر کے اندر بھی انسان کی آنکھ بالکل گرد رہتی ہے. اور کسی نے کہا کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ نے انسانوں کے بچوں کو تو ایک گھومنا کو پڑھایا ہی تھا, وہاں فرشتوں کو بھی پڑھا دیا انہوں نے, وہ ان کے بھی استاد ہیں. اور یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی برکت ہے, اس کے اوپر عمل کی برکت ہے. بہرحال قرآن کریم کی آیات تلاوت کی موقع نکالتا ہے. اور میں نے السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. فرمایا
Agrobado mahurushi tafalak dar taram tatu nane pakafani yoga kafulat mahuri. Har ek Allah ne paida kiya, asman ko Allah ne paida kiya, zameen ko Allah ne paida kiya, sitaro ko Allah ne paida kiya, suraj ko Allah ne paida kiya, chand ko Allah ne paida kiya, lehlahat kheton ko Allah ne paida kiya, mauje maarte samundaron ko Allah ne paida kiya. Har ek apni gift mein laga hua tha. Wa inna laka la'ajran
एक को इंसान बना सकते हैं, अगर मैं इंसान बनना चाहूं मतलब मिसालें मौजूद हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान करीम की रोशनी में और अपनी हिकमत अमल की रोशनी के अंदर 23 साल के कलील अरसे के अंदर जिन्हें चलना नहीं आता था, जिन्हें इस्तिंजा करना नहीं आता था, उसके जमानत को इंसान बनाया है और कैसर और किसरा की लगामें उनके हाथ में दे दी। फरमाया कि दुर्फी शामी ने तेरी नजरों को दरिया कर दिया, दुर्फी शामी ने तेरी नजरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को पीना कर दिया, दुर्फी शामी ने तेरी अदरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को पीना कर दिया, और खुद न थी जो राह पर औरों के हाथी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी किसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जिस्मों को जिंदा किया करते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा दिलों को जिंदा करते थे। दुर्फी शामी ने तेरी बदरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को पीना कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के जिम्मे में इत्तला दे दिया, खुद न थे अभी हम भी इंतजार करें, ये तो बड़ा कहते हैं।
ini makin kami nak tahu. Tentu selama anda kiai, kan? Kalau itu meminimnya permaya, lusuh memahami. Pagkatan yang terjumit tayo kapos. Alin niya at yung ilokin niya. अब इस चीज की जरूरत है, अब इस चीज की जरूरत है और अब इस चीज की जरूरत है। तो मैं कहा करता हूं कि 9 महीने के बाद और 1 साल के बाद वो अरब बच्चों को कहते हैं बुजुर्ग इन्हें इसका नहीं मारते हैं। वो कहता होनी शुरू हो जाती है तो कोई अब्बा की उंगली पकड़ के जाता है, कोई दामाद पकड़ के जाता है और जाते हुए बाहर कहता है अब्बा मैं भी जाना है। अरे भाई ये कौन से जीवना है, ये तो मैंने कबूल किया था। लेकिन अभी आगे आगे देखिए कि आपने कबूल क्या किया था। वो जो कहा था ना कबूल है कबूल है कबूल है, उसके अंदर ये सब कुछ कबूल किया गया था। लुजूम महरे, अब जिम्मेदारियों कामे के ऊपर बोझ पड़ता है। फिर कहेंगे सुम महाभाई अमीर मोमिनी, उसके बाप के महाराजे का नाम क्या है? फरमाया उमूम उदहरिन, तमाम भर के गम उसको आकर घेर लेते हैं। फिर पूछा सुम माता या अमीर मोमिनी, फरमाया कसूर उदहरिन कमर के लिए हो जाए। कोई बड़े साहब जा रहे थे ना तो किसी मस्ताने नौजवान ने कहा कि बाबा जी ये कमान कितने की थी? कमान जड़ी थी, कमान कितने की थी है? तो फरमाया बेटे जब हमारी उम्र को पहुंचोगे मुफ्त ही मिल जाएगी, इसके लिए पैसा नहीं खर्च करना। तो उम्र उदाहरण और एक मरहला है कसूर उदाहरण। हमारे हजरत मौलाना इदरीस साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे, फरमाया करते थे यहाँ बद्दू आके खामोश हो गया और जनाब आपकी बात उसने नहीं पूछा। मौलाना फरमाया करते थे कि आपकी बात अगर वो पूछता तो हजरत अली करम अल्लाह वजह फरमाते कि नुज़ूल कब्रे आगाज हुआ तो सुनून उशादिन से और ये इसका महासल है। लेकिन ये जो इस्तेवाजी जिंदगी है इसकी कामयाबी का राज अल्लाह ताला ने बच्चा एक गैर खानदान का है, अलग हर एक जगह तो खानदान नहीं होते, बच्ची एक अलग खानदान की है, खानदान है। लेकिन अगर खानदान भी है तो हर घर का अंदाज रिवायात चलन मुख्तलिफ हुआ। चुनाचे फरमाया कि इस निकाह और अब की जिंदगी को अगर खुशगवार तुम बनाना चाहते हो लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। एक मरहला है मवद्दत का और दूसरा मरहला है जब वो चाशनी खत्म हो जाती है, जब मिठास खत्म हो जाती है, रहमत का हमदर्दी का। और ये दो उसूल हैं और बुनियादी चीजें हैं। अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि अब आप हम इजाजत चाहेंगे नहीं, मैं भी इजाजत चाह रहा हूँ, पता नहीं जाने की शुक्रिया है ना जाने की शुक्रिया अल्लाह का बुला सुनना। तो कहने का मकसद यह है कि हमारा मौका है अल्लाह ताला ने और जनाब इसको दोनों खानदानों के लिए अल्लाह ताला बरकत का बाइस बनाया और ये नियामत जिसने दी है इस मौके के ऊपर। और एक बात अर्ज करके फिर मैं खत्म करता हूँ कि जिस वक्त अल्लाह ताला नियामत दे तो नज़र नियामत पर नहीं देने वाले पर होनी चाहिए जो नियामत दे रहा है। इसलिए कि अल्लाह ताला जब कोई
जब उसकी मुद्दत एक्सपायर होती है कोई बड़ी नहीं है मुझे लतीफा याद आया और माधव के साथ आगे तो फायदे देख रहे थे बड़ी नहीं ने कहा आए हैं बड़े नहीं तो नजर तुम्हें आता नहीं है घूम क्या रहे हो ये तो बड़े नहीं कहने लगे अपनी निकाह की एक्सपायरी डेट देखा तो कहने का मकसद यह है कि अल्लाह ताला दोनों खानदानों के दरमियान में मोहब्बत पैदा फरमाए मोहब्बत पैदा फरमाए और इसको अल्लाह ताला बरकतों का बाइस बनाए बहरहाल हजरत मौलाना ने ये मुझे यहाँ अपने वालिद की वंशज के ऊपर यहाँ ला के बैठा दिया मैं तक पहले भेजता आदमी हूँ